भाजपा प्रत्याशी निखिल मदान ने डोर टू डोर अभियान चलाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील की। निखिल मदान का जगह जगह फूल मालाओं के साथ लोगों ने जोरदार स्वागत किया और निखिल मदान को प्रचंड जीत के लिए आशीर्वाद दिया। मदान ने कहा कि 5 अक्टूबर को भाजपा को वोट देकर सोनीपत में कमल खिलाने का काम करें। सोनीपत में कमल खिलेगा तो सोनीपत विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में तेजी से आगे बढ़ेगा। सोनीपत विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी निखिल मदान ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें भाजपा ने सोनीपत की सेवा करने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनना तय है और सोनीपत का सर्वांगीण विकास उनका मुख्य उद्देश्य है। जनता के आशीर्वाद के साथ वे सोनीपत को विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो सोनीपत की जनता का जो आज माहौल है और आज मैं समझता हूँ कि सोनीपत की जनता ने एक मन बनाया है कि आज सोनीपत के अंदर कमल खिलाने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। जनता से क्या अपील है सोनीपत की जनता? मैं सोनीपत की मेरी देवतुल्य जनता से अपील करता हूं कि 5 तारीख को आप सब कमल का बटन दबाकर अपना आशीर्वाद दें ताकि अपने शहर को हम और विकास के रास्ते पे आगे बढ़ा सके और एक अपने शहर को बेहतर शहर बना सके और एक जो आज विकास की नींव हमने रखी है अपने पूरे शहर के अंदर, पूरे नगर निगम क्षेत्र के अंदर, इसी तरीके हम इसको आगे और मजबूती से बढ़ाते रहे, अपने शहर को विकास के रास्ते पे आगे लेके जाए। आज मैं समझता हूँ हमारे शहर में जो सबसे बड़ी समस्या है वो जल भराव की है और जो हमारे मुख्य मार्ग है B&R के, चाहे कतरोई रोड हो, चाहे गीता भवन हो, चाहे बस स्टैंड के पास हो, जितने ये B&R के रोड वाले एरिया हैं जहाँ जल भराव होता है और जो सेक्टर वगैरह में होता है, ये B&R के रोड्स हैं। इसके अंदर एक बड़ी योजना बनवा के चंडीगढ़ से बड़ी प्लानिंग बना के इसके लिए हमारे को एक बहुत अच्छी स्कीम बना के ये जो पानी भरता है इसको देखना है। बस स्टैंड हमारे शहर का बाहर जाना है। हमारे शहर के युवाओं की एक सोच है कि हमारे शहर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए जहाँ पर बच्चे खेल सके, युवा साथी प्रैक्टिस कर सके, खेल सके। और हमारे शहर के अंदर सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधाएं आ रही है, चाहे आज वो एक्सरे मशीन हो, चाहे MRI हो, चाहे और भी कोई सुविधाएं हो, तो उस हिसाब से जो आज मैं समझता हूँ जो ये बड़े कार्य है ये हमने अपने शहर में करा।